देखो सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। अगर जन के राज में और जिनका विश्वास हो, विश्वसनीय आदमी ही अगर उनका जो हैंडल है एक तरह से उसी को वही अगर प्लांट करता है, और ये एटीएस का ही आरोप है, तो ये क्या दर्शाता है, स्थिति क्या है? और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। मेरा कहना साफ है कि दुनिया ने जो नहीं देखा वो महाराष्ट्र में हो रहा है। पुलिस ही बम लगा रही है और एक मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है, बताता है, तो ये जो है ये स्थिति महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है। और ये कहते हैं शरद पवार भी, शिवसेना भी और कांग्रेस भी कह रही है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है, ये मुद्दा है।